हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन जो परीक्षा की दृष्टि चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक्स हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? तो उसे हम मैग्मा कहते हैं। पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है? मैग्मा। सुंडागर्त स्थित है कहाँ पर? हिंद महासागर में। सुंडागर्त कहाँ पर स्थित है? तो स्थित है हिंद महासागर में। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो है ऑर्गन। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो उसका नाम है ऑर्गन। सौर मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है? तो वह है 14 किलोमीटर। सौर मंडल की धरातल से ऊंचाई कितनी है? 14 किलोमीटर। संचार उपग्रह स्थित होते हैं कहां पर? आयन मंडल में। संचार उपग्रह कहां पर स्थित होते हैं? तो स्थित होते हैं आयन मंडल में। रोटी की डालियां कहलाती है, क्या कहलाती है? यूक्रेन, जिसे यूरोप में है। ओके फ्रेंड्स, रोटी की डालियां कहलाती है यूक्रेन। आगे देखते हैं। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? तो वह है 7। ग्लोब पर दाब कटिबंधों की संख्या कितनी है? 7। वर्षा की मात्रा मापी जाती है किससे? रेगनेट से। वर्षा की मात्रा किससे मापी जाती है? तो मापी जाती है रेगनेट से। भारत का दक्षिणतम द्वीप है ग्रेट निकोबार। भारत का दक्षिणतम द्वीप कौन सा है? ग्रेट निकोबार। कालाहारी मरुस्थल स्थित है कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो वह है डेविस। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? तो वह है डेविस। आगे देखते हैं हम। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है? तो वह है 35%। समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है? तो वह है 35%। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है कहां पर? फंडे की खाड़ी में। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहां पर आता है? तो आता है फंडे की खाड़ी में। मर्रे डार्लिंग नदी बहती है कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। मर्रे डार्लिंग नदी कहां पर बहती है? तो बहती है ऑस्ट्रेलिया में। डंकन पास स्थित है कहां पर? दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच। डंकन पास कहां पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच। भारत स्थित है ग्लोब में कहां पर? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत कहां स्थित है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। आगे देखते हैं। तुलबुल परियोजना संबंधित है किससे? झेलम नदी से। तुलबुल परियोजना किससे संबंधित है? तो है झेलम नदी से। एशिया का बंजर भूमि है थार का मरुस्थल। एशिया का बंजर भूमि कौन सा है? थार का मरुस्थल। सहारा मरुस्थल स्थित है कहां पर? उत्तरी अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल कहां पर स्थित है? उत्तरी अफ्रीका में, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पारा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो वह स्पेन। इसमें में सबसे ज्यादा पारा उत्पादन किया जाता है। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या कहां पाई जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। और जकार्ता का प्राचीन नाम क्या था? तो था बटाविया। जकार्ता का प्राचीन नाम बटाविया था। आगे देखते हैं। गंधक उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा? तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। गंधक उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? यूएसए। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कार उद्योग केंद्र स्थित है कहां पर? डेट्रा या जो कि उत्तरी अमेरिका में है। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन केंद्र स्थित कहां है? डेट्रा यट में। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है, क्या कहलाता है? तो कहलाता है पंपास। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास का मैदान पंपास कहलाता है। और रुद्रसागर झील कहां स्थित है? तो स्थित है मध्य प्रदेश में। रुद्रसागर झील कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। आगे देखते हैं। प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ज्वालामुखी को। प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है किसे? ज्वालामुखी को। मिटेरियोलॉजी अध्ययन है किसका? मौसम का। मौसम का अध्ययन क्या है? मिटेरियोलॉजी। विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना डेल्टा है गंगा नदी का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना डेल्टा कौन सा है? वह है गंगा नदी का डेल्टा। नियाग्रा जलप्रपात कहां पर स्थित है? यूएसए में। नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में स्थित है।
सुंडागर्त अवस्थित है कहां पर? हिंद महासागर में। सुंडागर्त कहां पर अवस्थित है? तो अवस्थित है हिंद महासागर में। आगे देखते हैं, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है कहां पर? प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ कहां स्थित है? तो स्थित है प्रशांत महासागर में। मृत सागर अवस्थित है कहां पर? जॉर्डन एवं इजराइल के बीच। मृत सागर कहां पर अवस्थित है? तो अवस्थित है जॉर्डन एवं इजराइल के बीच। सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है किसे? सैन फ्रांसिस्को नगर को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? सैन फ्रांसिस्को नगर को। एशिया का क्षेत्रफल कितना है? तो वह 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर। एशिया का क्षेत्रफल कितना है? 44 मिलियन वर्ग किलोमीटर। आगे देखते हैं, विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि कितनी होती है? तो होती है 12 घंटे की। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि 12 घंटे की होती है। पृथ्वी एक घंटे में घूमती है कितना? 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। पृथ्वी के आयु का आकलन किया जाता है किसके द्वारा? यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। पृथ्वी की आयु का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? तो यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। चीन की स्थलीय सीमा लगी है कितने? 13 देशों से। चीन की स्थलीय सीमा 13 देशों से लगी है। रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है कहां पर? आयन मंडल से। रेडियो तरंगे आयन मंडल से परिवर्तित होती है। आगे देखते हैं, यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो वह कनाडा। यहाँ पर यूरेनियम का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी डेली की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करते रहिएगा।